हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग पे पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज ये एक स्टेशन पे खड़े हैं, ये पुंडाग स्टेशन है। और हमने ये गाड़ी है, एनबॉक्स है, देखिए। दो बातें हमने बताई थी, एक एचएल रैक के बारे में बताए थे, एचएल जो बोगी होता है, वैगन है, एक नॉर्मल जो है सिलेंड्रिकल वाला बताए थे। तो आज संयोग ऐसा है कि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है साथ में। देखिए, दिखाए थे, ये जो है नीचे आती है, जब ये आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर भाल को हैंडल को ऊपर, तो चला गया गाइस। ये एचएल रैक की पहचान है, ये एचएल रैक है। ये वैगन जो है वो एचएल वैगन है, ये सिंगल पाइप है, ट्विन पाइप नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। देखिए, इसी वैगन में ये सिलिंड्रिकल टाइप का ये पिस्टन है, पिस्टन जो बाहर आता है, जब हम वो हैंडल जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से नीचे ये करेंगे तो ये बाहर पिस्टन फेंकेगा, है ना। तो देखिए, ये सिलिंड्रिकल टाइप का हो गया। और इसका जो, और ये देखिए जो ब्रेक भान है, ये आपका आई टाइप का ब्रेक भान है ना, BVZ I। और हम बताए थे कि आई जो होता है वो स्टार्टिंग जो है वो 86 से शुरू होता है, और इसमें कुल 11 डिजिट लिखा होता है। देखिए, 8607060258, ये कंसर्निंग जोन है साउथ ईस्ट, आर गायब है, आर फोर साइलेंट है, तो ACR साउथ ईस्ट रेलवे का है। और आर फोर रूटीन ओवरहॉलिंग 28/2023 का है ना, मतलब इसको 2023 में 8वें महीने में इसको रूटिंग ओवरहॉलिंग के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए, इसमें ये फोर व्हीलर होता है, इसमें 2-2-4 और फिर 2-2-4 फोर व्हीलर होता है ना। तो ये देखिए आई टाइप का ब्रेक बांध है, आपको हम सी टाइप का ब्रेक बांध भी दिखाए थे जो 85 से शुरू होता है, और ये आई टाइप का ब्रेक बांध है जो 86 से शुरू हो रहा है, और एक एम टाइप का दिखाए थे जो 87 से शुरू होता है। तो ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको आई टाइप का ब्रेक वाहन, और देख लीजिए ये इसका फीड पाइप, वाइट वाला जो है वो फीड पाइप होता है, और ग्रीन जो है वो आपका बीपी पाइप है, बाकी ये कपलर है ना ये। और एक चीज़ और, आपका ये जो है वो आपको सिलेंड्रिकल वाला है, ठीक है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है ना, और देखिए वहाँ, तो आई टाइप का जो ब्रेक वाहन होता है उसको कैसे चेक करेंगे कि रिलीज है या ब्रेक अप्लाइड है। तो देखिए, इसको जो है ना, देखिए ये क्या है, अभी रिलीजिंग में है, मतलब हम लोग कभी भी स्टार्ट हो तो चल सकते हैं, है ना। देख लीजिए, ये आई टाइप का है, आई टाइप वाला में इसको देखिए ये हिल रहा है ब्रेक। और अभी देखिए कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को अगर हम अभी उठा देते हैं, पकड़ लेगा, देखिए टाइट हो गया, ये नहीं हो रहा, देखिए टाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया। या एक बात और है, कि इसके फिर व्हील में पत्थर मार के चेक किया जाता है, ऐसे ये व्हील है ना, व्हील में जब पत्थर मारे, इसमें जगह तो नहीं मारने का, इसलिए दिक्कत है थोड़ा। देखिए, तो एकदम फ्रीली आवाज़ आता है तो समझ जाइए वो फ्री है, ब्रेक अप्लाई नहीं है। और अगर पत्थर मारने से आपका आवाज़ जो है वो भारीपन आता है मान के चलिए, तो वो जो है वो ब्रेक अप्लाई होता है। देखिए, अभी पूरा ब्रेक, फिर पुनः देखिए छोड़ दिया, देखिए छोड़ दिया, अभी पूरा अप्लाई हो गया था। तो ये आई टाइप जो ब्रेक बान होता है ना, उसको नॉर्मली एक बार ये चेक कर लेने के लिए कि हमारा ब्रेक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब भी चार्ज लें गाड़ी का, तो ब्रेक वाहन जो आपका है उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो होना चाहिए,
क्योंकि आप उसमें बैठते हैं और उसका जो है ब्रेकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो हमने बताया आपको कि ये आई टाइप का है, बी वी जेड आई। ठीक है, नंबर जो है 86 से शुरू होता है, तीन टाइप का ब्रेक वाहन। तो हमने आपसे सी का चर्चा और आई एम का चर्चा कर चुके थे, आई अभी बचा हुआ था। सोचें आज मौका मिला है तो हम आप लोगों को आई टाइप का भी ब्रेक वाहन दिखा दें। और देखिए ये जो है आपका है, कुछ चीज़ें आपको मैं इसके अंदर का दिखा देता हूँ आई टाइप का ब्रेक वाहन कैसा होता है। देखिए गाइस, ये आई टाइप का ब्रेक वाहन है, इसमें बैठने वाला बाहर एक दिया हुआ है। बाकी देखिए सीटिंग चेयर है, और आपका ये हैंड ब्रेक है, गार्ड का हैंड ब्रेक, सबसे बड़ा इक्विपमेंट। और ये देखिए आपका बीपी का पाइप है ना, ग्रीन वाला। और ये आपका यहाँ पे मीटर गेज लगाने के लिए है, लगा के चेक किए थे लेकिन फ़िलहाल अभी निकाल दिए हैं। तो देखिए ये भी इधर भी बैठना है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जाता है उस तरफ का सीटिंग चेयर रहता है। ये नॉर्मल, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें यही है कि ये स्पेसियस होता है। देखिए स्पेसियस ब्रेक वाहन है। अब वो बाथरूम का व्यवस्था है, मान लीजिए इमरजेंसी का भी हो तो चलती हुई गाड़ी में आप यूज कर सकते हैं। तो बस यही है आई टाइप का ब्रेक वाहन आपका। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए ये आपका एक स्टेशन पे स्टेशन का व्यू है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से गाड़ी आ रही है एक। और थोड़ा आप एक डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हमने आपके साथ इंटेंसिव सीसी और प्रीमियम तीन टाइप का, जैसा कि होता है बीपीसी, हम बताए थे इंटेंसिव का वैलिडिटी कितना होता है, इन टू इन तक, ठीक है, लोडिंग टू अनलोडिंग तक, ठीक ना। फिर जो है आपका एक होता है प्रीमियम, तो देख लीजिए ये जो आपका है कैसा है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम रेक, कैसा है ये प्रीमियम रेक का है, बीपीसी नंबर, ठीक है, इशू डेट, ठीक है, और इशू डेट है तो उससे क्या बोलते थे इसमें लोग 12+3 डेज। देखिए यह ब्रेक प्रमाण पत्र 12 दिन के लिए मान्य है, दिस बीपीसी इज वैलिड फॉर 12 डेज, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं, जानते हैं कि प्रीमियम जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसा हम लोग जानते हैं एज यू नो डैट कि प्रीमियम जो होता है वो उसकी वैलिडिटी 12 दिन + 3 डेज होती है। देखिए लिखा हुआ आगे जाके, इस स्थिति के बाद ताज़ा लदाई के अनुमति नहीं है, लेकिन यदि 3 दिन की रियायती अवधि की अनुमति है, मतलब कहने का ये हुआ कि इस 12-13 तारीख के बाद इसमें लोडिंग नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई कंसाइनमेंट जो है वो 10 सितंबर को लोड हो गया, ठीक है, और 13 तारीख को इसमें लोडिंग ख़त्म हो गई, लेकिन 3 दिनों में वो अपने डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंच पाया, ठीक है, तो लोडिंग की स्थिति में है यदि, तब इसकी वैलिडिटी 3 दिन बढ़ाया जा सकता है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, 17, 14, 15, 16। तो यही इसलिए बोला जाता है कि 12+3 डेज नॉर्मल वैलिडिटी आपका हो गया 2 से लेके 13 तक, लेकिन यदि लिखा हुआ है यदि 3 दिन की रियायत दिया जा सकता है, मतलब आपको 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है ना। आफ्टर दिस डेट नो फ्रेश लोडिंग इज परमिटेड, मतलब इस डेट के बाद कोई भी नया फ्रेश लोडिंग की अनुमति नहीं होगी, लेकिन 3 डेज ग्रेस पीरियड आफ्टर दिस डेट इज अलॉटेड फॉर रेक लोडेड अप टू अबव डेट। मान लीजिए वही कहने का मतलब है कि यदि वो लोडिंग उसमें हो गया है और वो अपने तय समय के साथ अगर नहीं पहुंच पाया है डेस्टिनेशन पे, तो इस स्थिति में उसकी वैलिडिटी 3 दिन बढ़ाई जा सकती है। यही बात थी इसमें। देखिए लोड स्टॉक कितना है, 59+1। देखिए 59+1 एक से लेकर के आपका पूरा, देखिए 59+1 कौन सा हमारा है, बी वी जेड आई, ठीक है,
BBZI है ना। बाकी देखिए BPC जब भी रहेगा। अच्छा ये देखिए वो CC जो था वो येलो कलर का था और प्रीमियम जो है वो वाइट कलर का है ना। और देखिए कि इसमें देखिए ऐसे जब तक BPC पे लोको पायलट गार्ड एंड SSC ऑफ CNW या JEE ऑफ CNW का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और अगर ऐसा सिचुएशन होता है इसका वैलिडिटी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ना। रिड्यूस वैलिडिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ठीक है। देखिए ये लोको नंबर जो है आपका 6 इतना 0002 है, ये कैसा लोको है। तो अभी जो नया लोको बना है वैग 12 है ना, जो नया जो लोको बना मधेपुरा का वो लोको इसमें लगा हुआ है। और कितना इसमें है देखिए 59 है। अच्छा जो था टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सेंटर कितना है 83, टोटल नंबर कितना है 83 लेकिन वर्किंग कितना है 79, मतलब कि कितना काम नहीं काम कर रहा है, चार सिलेंडर जो ऐसा है वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए BPC परसेंट कितना हो गया 95.2%, BP परसेंटेज कितना है 95.2% ठीक है। तो यही था आज, सोचे थोड़ा सा ये वीडियो आपको हम प्रीमियम रेक के बारे में थोड़ा बता दें और फिर बाकी चीज़ तो हम आपके साथ डिस्कस किए ही है। जैसे कि आप जानते हैं ये वैगन वे व्हील है, देखिए 59 है ना, 59 है इसमें। और आपका सबका देखिए नंबरिंग होता है, ये सब मिला के 11 नंबर होता है, 11 डिजिट का नंबर ही होता है इसमें। देख लीजिए किसी का भी गिन लीजिए 1001, ये चीज़ बातें हैं। और बाकी कुछ नहीं है, दो कॉपी वैगन वे व्हील का है, ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ इसमें दिखाई दिया है चेक परफॉर्मा, ये कहीं जो GLP चेक हुआ है तो GLP चेक का एक परफॉर्मा है ना, लिखा हुआ है प्रेशर 10.5 kg इतना में हो गया, देर इज नो लूज फिटिंग ठीक है, एंड एनी डेंजरस विच मे फॉन्ड ठीक है, एनी डेज सेफ रनिंग फॉर। तो ये इसका एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये कोई बात नहीं है ठीक है गाइस। तो फिर और कभी फिर बात करते हैं, और सोचें कि थोड़ा सा ये वीडियो आप लोगों के लिए कम बना देते हैं। आई वाला का ब्रेक वान जो है पेंडिंग था आप लोगों के लिए, एक बगल का लाइन से गाड़ी गुजर रहा है, तो इसको तब तक ले मिलते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो में।